सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 10, टॉपिक 6 है, यूनिट 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस आज का टॉपिक। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेसिस आर स्लिपरी, सेकंड थी दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, थर्ड थी दे एक्वस सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ थी दे आर नॉन करोसिव एक्सेप्ट NaOH एंड KOH। आज हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट रिएक्शन है विद एसिड, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड कंबाइन विद बेस और बेस कंबाइन विद एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास KOH प्लस H2SO4। इसमें बेस का पॉजिटिव पार्ट एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा और एसिड का पॉजिटिव पार्ट बेस के नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा पोटेशियम कंबाइन विद सल्फेट फॉर्मिंग पोटेशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग H2O। सो 2KOH प्लस H2SO4 कन्वर्टेड टू K2SO4 एंड H2O सॉल्ट एंड वाटर। सेकेंड रिएक्शन है विद अमोनियम सॉल्ट, अल्कलीज और बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स टू लिबरेट अमोनिया गैस। कैसे, टू हमारे पास अमोनियम के सॉल्ट्स हैं यहाँ पे, एक है अमोनियम क्लोराइड और एक है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फर्स्ट वाले रिएक्शन में इसका पॉजिटिव पार्ट Na इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बनेगा NaCl। सेकंड, ये OH NH4 से हाइड्रोजन पिक करेगा तो ये बन जाएगा H2O, और NH4 से जब 1 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 अमोनिया गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हेड एरो किस चीज़ को शो कर रहा है, ये कौन सी फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म है। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2SO4 प्लस CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट है जो इसके नेगेटिव पार्ट सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। टू हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं यहाँ पे, टू अमोनियम आइंस हैं, टू अमोनिया टू हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और टू हाइड्रोक्सल के साथ कंबाइन होकर 2H2O की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों अमोनियम में से जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये आपके पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2NH3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अमोनिया गैस। सो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड अमोनिया गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल, एंड अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट अमोनिया गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। लास्ट इसका रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। बेसिस जब रिएक्ट करती हैं सॉल्ट्स के साथ, डिफरेंट कलर सॉल्ट के साथ या ऐसे सॉल्ट जो कलरलेस हैं उनके साथ कंबाइन होती हैं, तो एक डिफरेंट बेस और डिफरेंट सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपका सॉल्ट है वो हाइड्रोक्साइड बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट्स बना देता है। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स जो बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस हैं, अल्कलीज प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स सच एज कॉपर आयरन जिंक लेड एंड कैल्शियम। कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये ब्लू कलर सॉल्ट है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे देखें इसका ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बनेगा Na2SO4 और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CuOH होल 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड जो ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट शो करते हैं। इसी तरह से जिंक क्लोराइड है जो वाइट कलर सॉल्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें से ये टू सोडियम इस टू Cl2 के साथ कंबाइन होकर ये बनाएगा 2NaCl, और जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर ZnOH होल 2 की फॉर्म में जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच शो वाइट कलर प्रेसिपिटेट्स।
इसी तरह से आयरन FeCl3, आयरन की दो वैलेंसीज होती हैं, एक Fe2 पॉजिटिव एक Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है तो दैट इज़ कॉल्ड फेरिक क्लोराइड FeCl3 कंबाइन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये बनेगा NaCl, और ये आयरन हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा FeOH3 जो ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट है। इसी तरह से लेड नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो सोडियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन होके सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेड हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके PbOH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो वाइट कलर प्रेसिपिटेट है। देन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो NaCl के साथ कंबाइन होके टू NaCl की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और CaOH के साथ कंबाइन होके CuH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी वाइट कलर प्रेसिपिटेट्स है। लास्ट FeSO4 फेरस सल्फेट, इसमें आयरन की वैलेंसी पॉजिटिव 2 है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन होके बनाएगा Na2SO4, और आयरन फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होके FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो डर्टी ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट्स है। इसमें जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स शो करते हैं, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर, फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन कलर और फेरस हाइड्रोक्साइड डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स शो करते हैं।